हेलो जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज अग्निवीर जीडी और ट्रेड्समैन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस का एमसीक्यू 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो पहले एग्जाम हो गया है 2012, 13, 14, 15 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो पेपर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा PVRCR का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आज PVRCR का ओरिजिनल क्वेश्चन करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जिस स्टूडेंट अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो और इस तरह डेली के डेली क्वेश्चन लेना चाहते हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि डेली के डेली इस तरह क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो दोस्तों आज 20 क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एग्जाम 2024 और 25 के लिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया देख लीजिए, इन व्हिच ईयर डिड एम्पायर अकबर बिल्ट द बुलंद दरवाजा। देख लीजिए सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनाया था, बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा 1575 होगा राइट आंसर, 1575 इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देख लीजिए किसे स्थानीय प्रशासन का जनक कहा जाता है, बता दो। चलो ऑप्शन के अंदर सही आंसर चुन लो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन लॉर्ड रिपन को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन लॉर्ड रिपन होगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आविष्कार से पूछा गया, खोज से पूछा गया क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब। देख लीजिए लाइट बल्ब का खोज किसने किया था, बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बताओ क्या होगा, बिल्कुल इसी चारों ऑप्शन के अंदर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, थॉमस एडिशन होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज शहीद आजम। देख लीजिए शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है, बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बताओ क्या होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, भगत सिंह को कहा जाता है शहीद आजम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइव नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, हु रोट कादम्बरी। देख लीजिए कादम्बरी किसने लिखा, बता दो ए कालिदास ने, बी वेदव्यास ने, सी विष्णु शर्मा ने, डी बाणभट्ट ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन डी को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देख लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे, बता दो ए जवाहरलाल नेहरू जी, बी राजा राममोहन राय, सी सर सैयद अहमद खान, डी डब्ल्यू सी बनर्जी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमारा जिस स्टूडेंट का इसी एक दो साल के अंदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों 24-25 के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करो अग्निवीर जीडी तथा ट्रेड्समैन। तो दोस्तों आपका एग्जाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा PVRCR का क्वेश्चन पढ़ो, जो क्वेश्चन 2012, 13, 14, 15 से लेकर 23 तक पूछा गया वो क्वेश्चन पढ़ो, आपका एग्जाम वहीं से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन 15 में पूछा गया वही सेम टू सेम क्वेश्चन 17, 18 में रिपीट हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा PVRCR का क्वेश्चन पढ़ो। इसीलिए हमारा टीम आपके लिए लेकर आया है ओनली 99 रुपया में सारे PVRCR का क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, साइंस, GK सभी क्वेश्चन मिल जाएगा ओनली 99 रुपया में। किस तरह PDF है एक बार देखो।
तो दोस्तों ये सभी नहीं दिखाऊंगा, इस तरह क्वेश्चन मिला था जो पीबीआरसीआर में पूछा गया, सभी क्वेश्चन इस तरह मिलेगा। ये एक एक करके एक क्वेश्चन उठाया, एक एक करके क्वेश्चन उठाया और यही क्वेश्चन पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों प्रिंट आउट भी होगा, अच्छा तरह आप पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों आप अभी कॉल करो और ले दो पीडीएफ ओनली 99 रुपया में। एग्जाम है तो जरूर ले लीजिए ये क्वेश्चन, क्योंकि यही सेम टू सेम क्वेश्चन पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया गया। वो पीडीएफ के अंदर 1500+ क्वेश्चन होगा और हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा। ओके तो दोस्तों अभी कॉल करो, सभी जानकारी ले लो। तो दोस्तों वो क्वेश्चन पेपर आप लेना चाहते हो तो इसी नंबर पे अभी कॉल करो और ले दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन व्हिच स्टेट जीएसटी वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड। देख लीजिए, जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था बता दो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है वो सबसे पहले कौन से राज्य में हुआ था, गुजरात में हुआ था, राजस्थान में, आसाम या वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, आसाम होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु हैज बिकम द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। देख लीजिए, लद्दाख का जो उप राज्यपाल है कौन है, नया कौन है बना। तो दोस्तों एक क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, सभी क्वेश्चन मिक्स है, 2012 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया एक एक इम्पॉर्टेंट उठाया और दे दिया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन 21 में पूछा गया था तो इसका राइट आंसर बता दो। सॉरी 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, 22 में पूछा गया था ये। ओके, नवंबर महीने के टाइम एग्जाम हुआ था 22 में, तो इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन डी को चुना, बी डी मिश्रा को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और दोस्तों कोई भी आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आए तो एक बार जरूर गूगल कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम बी डी मिश्रा है लेकिन एक साल बाद में वीडियो देख रहे हो तो वो चेंज भी हो सकता है, इसलिए जरूर एक बार गूगल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शावर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देख लीजिए, कोका कोला के जो खट्टा स्वाद आता है उपस्थिति वो किसके कारण होता है बता दो। तो इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बी को चुना, फॉस्फेरिक एसिड को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, फॉस्फेरिक एसिड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023। देख लीजिए, ये 2022 में ही पूछा गया, सॉरी 2023 में पूछा गया, ये 2023 में जो जून महीने के अंदर एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया था क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बताओ क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, नोवाक जोकोविक को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज। देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा है बता दो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ, बिल्कुल हमारा जिस स्टूडेंट इसी चारों ऑप्शन के अंदर ऑप्शन बी को चुना, ग्रीनलैंड को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ। देख लीजिए, किलो वाट घंटा किसका इकाई है बता दो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऊर्जा को चुना, एनर्जी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इन द न्यूक्लियस। देख लीजिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसका नाभिक संख्या के बराबर होता है, क्या होता है बता दो, किस संख्या को माना जाता है बता दो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन होगा राइट आंसर, ऑप्शन
सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, द मलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कैन सुगर, सुगर कैन जो होता है गन्ना का चीनी का जो अनेबिक सूत्र होता है वो क्या होता है, बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर C12 H22 O11। ओके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्या, देखो कंचीपुरम वाज ऑन द कैपिटल ऑफ, देख लीजिए कंचीपुरम एक बार किसके राजधानी थे बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों ये थे ऑप्शन, बताओ क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पल्लव वंश का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव ए कोस्ट लाइन, किस भारत राज्य का तटरेखा नहीं है, तमिलनाडु ये तो है, उड़ीसा ये भी है, हरियाणा ये नहीं है, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरियाणा होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नगरहल नेशनल पार्क लोकेटेड इन, देख लीजिए नगरहल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन, बताओ क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन कर्नाटका को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कर्नाटका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हिच गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट, देख लीजिए चिप्स का पैकेट में कौन से गैस भरी जाती है बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ, तो दोस्तों वो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा या भरी जाती है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए सीस्मोग्राफ यूज टू मेजर, देख लीजिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन, बताओ क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना अर्थक्वेक या भूकंप को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया हु डिस्कवर्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन, देख लीजिए जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी किसने की थी बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन, बताओ क्या होगा, देखता हूँ कौन कौन बच्चा देता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, दयाराम शनाई होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु इज कॉल्ड क्वीन ऑफ अरेबियन सी, देख लीजिए अरब सागर के रानी किसको कहा जाता है बता दो लक्षद्वीप को वेनिस को कोची या सूरत। तो इसका राइट आंसर तो हमारा बच्चा देखकर ही राइट आंसर मार दिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोची को कहा जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, देख लीजिए पूना समझौता किसके बीच हुआ था, ये तो बच्चे देखकर ही राइट आंसर मर दिया, इसका राइट आंसर तो हमारा बच्चों ऑप्शन सी को ही कर दिया, गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना समझौता, पूना पैक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया व्हेयर डज सिल्क केम फ्रॉम, देख लीजिए रेशम कहाँ से प्राप्त होता है बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों ये हमेशा कहाँ से प्राप्त होता है, हमेशा मतलब परमानेंटली कहाँ से प्राप्त होता है बता दो, आर्टिफिशियल नहीं है, जो आपका नेचुरल होता है प्राकृतिक जो होता है वो कहाँ से बनता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, सिल्क ओम या रेशम कीट से बनता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन, और दोस्तों हमारा जिस स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और
हमारा पीडीएफ जो स्टूडेंट नहीं लिया पीवीआर सीआर का क्वेश्चन वो अभी तक नहीं लिया तो ले लीजिए, आप कोई भी एयर से हो सभी एयरों का मिल जाएगा, चाहे आप एयर श्रीनगर, एयर जम्मू, एयर कटिहार, एयर पंजाब के अंदर जो भी एयर जलंधर आता है, वेस्ट बंगाल के अंदर बहरमपुर, बैरकपुर, कलकाता, सिलीगुड़ी, असम के अंदर आता है जोरहाट, और भी जो नारंगी आता है, जितने भी एयरों हैं बेंगलुरु, एयरो मंगलुरु, सभी एयरो बेलगम, सभी एयरो का मिल जाएगा ऑल इंडिया का, आप जरूर कॉल करो और ले लो, कौन सी एयरो से हो जरूर बताओ, एयरो चेन्नई का है, सभी का है, तो अभी कॉल करो ले लो, गोपालपुर, कटक, सभी का मिलेगा, संबलपुर, सभी का। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर कर दिया था नहीं, इसका राइट आंसर नहीं किया, तो इसका राइट आंसर हिमाटाइट होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वोमेन रूलर ऑफ दिल्ली, देख लीजिए दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थे बता दूं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो आप देख कर ही बता दिया, ऑप्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कौन होगा राइट आंसर, ओके। और जिस स्टूडेंट अभी तक पीडीएफ नहीं लिया इसी नंबर पे कॉल करो 9547823471 या व्हाट्सएप में मैसेज करो, जब मन चाहिए कॉल करो, अभी करो, जो वीडियो अभी देख रहे हो अभी करो और ले दो पीडीएफ ओनली 99 रुपया में, ओके, थैंक यू, जय हिंद।